नेक्स्ट कंसेप्ट देखेंगे अब हम लोग, विच इज रिलेटेड टू इंक्रीमेंट परसेंट एंड डिक्रीमेंट परसेंट। सपोज करते हैं कि आपके पास कोई एक वैल्यू है विच इज गेटिंग इंक्रीज टू सम अनदर वैल्यू, और अगर आपसे कोई पूछे कि बताइए वैल्यू के अंदर परसेंटेज वाइज कितना इंक्रीमेंट आया है, तो आप लोग इस वाले फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे, दैट इज इंक्रीमेंट परसेंट इक्वल टू डिफरेंस इन वैल्यूज अपॉन स्मॉलर वैल्यू इनटू 100। अब इसको समझने के लिए मैंने एग्जांपल लिया हुआ है, एक बंदा है जिसकी सैलरी 100 रुपीज से 150 रुपीज हो रही है, यानी कि सैलरी के अंदर इंक्रीमेंट आया है, तो हमें पता करना है कि सैलरी के अंदर जो इंक्रीमेंट आया है 50 रुपीज का वो परसेंटेज वाइज कितना है, यानी कि हमें क्या फाइंड आउट करना है, इंक्रीमेंट परसेंट फाइंड आउट करना है उसकी सैलरी के अंदर। ठीक है, तो सैलरी 100 रुपीज से 150 रुपीज से इंक्रीज हो रही है, ठीक है 100 रुपीज से 150 हो रही है, दोनों वैल्यूज के अंदर डिफरेंस कितने का आ रहा है, 50 का आ रहा है जो कि इंक्रीमेंट है, ठीक है, और हमें क्या करना है, इंक्रीमेंट परसेंट फाइंड आउट करना है, तो इस वाले फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे, द डिफरेंस इन वैल्यूज इज 50 रुपीज, है ना, 100 से 150 में 50 का डिफरेंस है, अपॉन स्मॉलर वैल्यू जो कि 100 है और इनटू 100, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो हमें क्या वैल्यू मिलेगी, 50 वैल्यू मिलेगी, यानी कि उस बंदे की सैलरी के अंदर जो इंक्रीमेंट आया है वो कितना है, 50% है। अब बढ़ते हैं डिक्रीमेंट परसेंट की तरफ, ठीक है, लेकिन उससे पहले इस चीज को समझना है कि इंक्रीमेंट परसेंट और डिक्रीमेंट परसेंट ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है। ठीक है, बोलने का मतलब ये है, एक एग्जांपल के जरिए से मैं समझाता हूँ। सपोज करते हैं कि दो लोग हैं, एक ए है और एक बी है, ए जो है ये बी से 3 साल बड़ा है, तो अगर आपसे कोई पूछे कि बी ए से कितना साल छोटा है, ठीक है, तो आप कहेंगे कि 3 साल छोटा है, यानी कि अगर ए बी से 3 साल बड़ा है तो ऑब्वियसली बी जो होगा वो ए से 3 साल छोटा होगा, लेकिन इंक्रीमेंट परसेंट और डिक्रीमेंट परसेंट में ऐसा नहीं होता। 150 जो है ये 100 से 50% ज्यादा है। अगर मैं आपसे उल्टा सवाल पूछूं 100 150 से कितना परसेंट छोटा है, तो उसका आंसर 50% नहीं आएगा। ठीक है, तो इसको समझाने के लिए मैंने यहाँ पर वही वाला एग्जांपल लिया हुआ है। सबसे पहले डिक्रीमेंट परसेंट का फॉर्मूला देख लेते हैं और फिर इसको सॉल्व करेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसका आंसर 50% क्यों नहीं आ रहा है। तो डिक्रीमेंट परसेंट का जो फॉर्मूला होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, डिक्रीमेंट परसेंट इक्वल टू डिफरेंस अपॉन लार्जर वैल्यू इनटू 100। कोई वैल्यू है वो अगर डिक्रीज हो रही है, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, वैल्यूज के अंदर डिफरेंस लिखेंगे न्यूमरेटर में, डिवाइड करेंगे लार्जर वैल्यू से और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमें डिक्रीमेंट परसेंट मिल जाएगा, वही वाला एग्जांपल। लेकिन यहाँ पर सैलरी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, 150 से 100 रुपीज हो रही है, तो हमें पता करना है कि सैलरी के अंदर जो डिक्रीमेंट आया है वो कितना परसेंट है, तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। सैलरी जो है वो 150 से 100 रुपीज पे डिक्रीज हो रही है, दोनों वैल्यूज के अंदर डिफरेंस अगेन 50 का है, लेकिन अब यहाँ पर क्या हो रहा है, डिक्रीमेंट हो रहा है, इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है, तो डिक्रीमेंट परसेंट के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, डिफरेंस इन वैल्यूज दैट इज 50 अपॉन लार्जर वैल्यू, अब लार्जर वैल्यू कितनी है, 150 है, ठीक है, इंटू 100, ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 1 5 3 1/3 इंटू 100। अगर आप 1/3 को देखेंगे तो आपको याद आएगा कि हमने इसकी वैल्यू को याद रखा है, 1/3 इंटू 100 करने पे हमको कितना मिलेगा, 33.33% मिलेगा, जो हम लोग ने फर्स्ट लेक्चर के अंदर देखा था। ठीक है, तो यहाँ पर जो वैल्यू के अंदर डिक्रीमेंट आया है परसेंटेज वाइज वो कितना है, 33.33% है, 50% नहीं है। ठीक है, अब इसको समझने के लिए आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि यहाँ पर भी अगर मैं डिक्रीमेंट लेकर के समझाऊं, तो ऐसे हो सकता है कि आपके पास 100 रुपीज है, उसमें से आपके पास 50 रुपीज कम हो गए, तो आपके पास जो अमाउंट है वो कितनी हो गई, आधी हो गई, यानी कि आपके अमाउंट के अंदर कितना डिक्रीमेंट आया, 50% का डिक्रीमेंट आया। लेकिन अगर आपके पास 150 रुपीज है और 150 रुपीज में से 50 चले जाए, तो आपके पास जो डिक्रीमेंट आएगा वो आधा नहीं होगा, है ना, 150 में से आधा डिक्रीमेंट तो तब होगा ना जब 75 रुपीज का लॉस होगा। ठीक है, तो इसीलिए जो 150 में से अगर 50 का लॉस हो रहा है तो वो 50% नहीं है, वो 1/3 है, 1/3 यानी कि 33.33%। समझ में आ गया। अब इस कंसेप्ट पर हम लोग एक क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं जो यूपीएससी 2019 में पूछा गया था, सेट ए के अंदर ये क्वेश्चन नंबर 11 है और इसको हम लोग ने लास्ट लेक्चर के अंदर मिस भी किया था। द क्वेश्चन इज ए एंड बी आर टू हैवी स्टील ब्लॉक्स, इफ बी इज प्लेस्ड ऑन टॉप ऑफ ए वेट इज इंक्रीज्ड बाय 60%, how much weight will reduce with respect to total weight of A and B if B is removed from top of A? अब B को रखने से 60% का increment आ रहा है, तो हमें पता करना है कि B को हटाने से कितने percent का decrement आएगा। तो question पढ़ने से ऐसा लगता है कि इसका answer option A है 60%, लेकिन 60% गलत answer है, क्योंकि हमने अभी देखा कि increment percent और decrement percent ये directly proportional नहीं होते,
बी को रखने से 60% का इंक्रीज आ रहा है तो बी को हटाने से 60% का डिक्रीमेंट आएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको सॉल्व करके देखना पड़ेगा कि इसका आंसर क्या है। तो सपोज कर लेते हैं कि ए जो है इसका वेट 100 kg है। अब मैं इसके अंदर क्या कर रहा हूं, बी को ऐड कर रहा हूं, तो इसको इसके ऊपर बी को ऐड करने से जो वेट के अंदर इंक्रीमेंट आ रहा है वो कितने परसेंट का आ रहा है, 60% का आ रहा है। तो 100 kg का 60% कितना होगा, 60 kg होगा, इसीलिए तो हम लोग 100 ले रहे हैं ताकि 100 का परसेंटेज निकालना बहुत आसान होता है, ठीक है। तो 100 kg का 60% 60 kg होगा, ये क्या हो जा रहा है, इससे इंक्रीज हो जा रहा है। तो ए और बी दोनों मिलाकर के कितने केजी के हो जाएंगे, 160 kg के हो जाएंगे। अब मैं क्या कर रहा हूँ, फिर से बी को निकाल दे रहा हूँ, तो जब हम बी को निकाल देंगे तो हमारे पास सिर्फ ए बचेगा और उसका वेट जो है वो 100 kg है, यानी कि अब जो डिक्रीमेंट आया है वो कितने केजी का आया है, 60 kg का आया है। तो हमें पता करना है कि परसेंटेज के अंदर ये 60 kg का डिक्रीमेंट कितना है, तो डिक्रीमेंट परसेंट का फॉर्मूला लगाएंगे विच इज इक्वल टू डिफरेंस इन वैल्यूज, डिफरेंस इन वैल्यूज कितना है 60 है अपॉन लार्जर वैल्यू दैट इज 160 और इनटू में 100, ये दोनों कैंसिल हो गए। अब इसको कैंसिल करेंगे 2 8 जा और ये हो जाएगा 2 3 जा, ठीक है, और ये हो जाएगा 4 2 जा, ये हो जाएगा 4 25 जा, 25 × 3 कितना होता है 75 upon 2 यानी कि 37.5%। तो हमारा जो आंसर है वो ऑप्शन डी है, समझ में आ गया किस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यूपीएससी 2019 का, सेट ए के अंदर क्वेश्चन नंबर 34 है। इन एन एग्जामिनेशन ए स्कोर्ड 20 मार्क्स मोर देन बी, इफ बी स्कोर्ड 5% लेस मार्क्स देन ए, हाउ मच डिड बी स्कोर। ऑप्शंस आर 360 380 400 एंड 420। तो इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं, ठीक है। एक तो डायरेक्ट वे, अगर आपको डायरेक्टली समझ में आता है कि जो ए और बी के मार्क्स में डिफरेंस है वो 20 मार्क्स का है, तो आप लिख सकते हैं कि डिफरेंस इन वैल्यूज इज इक्वल टू 20 मार्क्स, ठीक है। और ये जो 5% लेस दिया हुआ है यानी कि ये डिक्रीमेंट परसेंट हमको दिया हुआ है, तो डिक्रीमेंट परसेंट कितना है, डिक्रीमेंट परसेंट है 5%, ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि ए स्कोर 20 मार्क्स मोर देन बी, यानी कि ऑब्वियसली जो लार्जर वैल्यू है वो किसकी होगी, ए की होगी, और जो स्मॉलर वैल्यू होगी वो किसकी होगी, बी की होगी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, डायरेक्टली डिक्रीमेंट परसेंट का फॉर्मूला लगाएंगे विच इज इक्वल टू डिफरेंस अपॉन लार्जर वैल्यू इनटू 100। तो यहां से हमको क्या मिल जाएगी, लार्जर वैल्यू मिल जाएगी, यानी कि ए के मार्क्स मिल जाएंगे, लेकिन हमें मार्क्स किसके चाहिए, बी के चाहिए। तो बी के मार्क्स निकालने के लिए ए के मार्क्स में से 20 मार्क्स माइनस करने पड़ेंगे क्योंकि ए को 20 मार्क्स ज्यादा मिले हैं। तो डिक्रीमेंट परसेंट कितना है 5 है, इक्वल टू डिफरेंस ऑफ वैल्यूज इज 20, लार्जर वैल्यू हमको मिलेगी इनटू 100, ठीक है। इसको इधर भेजता हूँ, 5 को नीचे लेकर आएंगे, लार्जर वैल्यू विल बी इक्वल टू 20 अपॉन 5 इनटू 100, हो जाएगा 5 × 4 = 400, यानी कि लार्जर वैल्यू कितनी आ गई 400, लेकिन हमारा आंसर 400 नहीं है, हमारा आंसर 380 है क्योंकि ये जो वैल्यू है ये ए के लिए है, यानी कि ए के मार्क्स से हो, देयरफॉर मार्क्स ऑफ बी आर 20 मार्क्स लेस देन ए, मार्क्स ऑफ बी इज इक्वल टू 380, 400 में से 20 माइनस कर देंगे तो हमें बी के मार्क्स मिल जाएंगे। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो बी है। अगर आपको डायरेक्टली नहीं समझ में आता है तो इसके लिए हमारे पास एक और एक मेथड है, उसको समझ लेते हैं। क्वेश्चन में हमें क्या कह रहा है कि ए स्कोर 20 मार्क्स मोर देन बी, ठीक है, यानी कि मैं सपोज कर लेता हूं कि बी को एक्स मार्क्स मिले हैं और ए को उससे 20 मार्क्स ज्यादा मिले हैं, यानी कि ए के मार्क्स हो जाएंगे एक्स प्लस 20, ठीक है। अब यहां पर देखिए डिक्रीमेंट कितने मार्क्स का हो रहा है, एक्स प्लस 20 में से 20 निकाल दूंगा तो मुझे एक्स मार्क्स मिलेंगे, यानी कि जो डिफरेंस आ रहा है वो 20 मार्क्स का आ रहा है, वो क्या है, डिक्रीमेंट है, ठीक है। और डिक्रीमेंट परसेंट हमको दे रखा है, डिक्रीमेंट परसेंट 5% लेस है, यानी कि डिक्रीमेंट परसेंट है वो, तो डिक्रीमेंट परसेंट की वैल्यू कितनी है 5% है। तो यहां पर फिर से डिक्रीमेंट परसेंट का फॉर्मूला लगाएंगे, डिफरेंस अपॉन लार्जर वैल्यू इनटू 100, तो डिक्रीमेंट परसेंट इज 5, डिफरेंस 20 का है, लार्जर वैल्यू क्या है x प्लस 20 है, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे x प्लस 20 इनटू 100, इसको इधर भेज देता हूँ, ठीक है, और 5 को नीचे लेकर आता हूँ, तो ये हो जाएगा x प्लस 20 इक्वल टू 20 अपॉन 5 इनटू 100, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5 × 4 × 100 400, और ये x प्लस 20 की वैल्यू है, 20 को उधर भेजेंगे तो x की वैल्यू मिल जाएगी, तो 400 माइनस 20 यानी कि
380, तो x की वैल्यू हमको मिल गई। और x किसके मार्क्स है, b के मार्क्स है, और b के मार्क्स हमें पता करने थे। अगेन ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यूपीएससी 2019 सेट ए के अंदर क्वेश्चन नंबर 39, राकेश हैड मनी टू बाय 8 हैंडसेट्स ऑफ अ स्पेसिफिक कंपनी। राकेश के पास 8 हैंडसेट्स खरीदने का पैसा था, ठीक है, बट रिटेलर ऑफर्ड वेरी गुड डिस्काउंट ऑन दैट पर्टिकुलर हैंडसेट। राकेश कुड बाय 10 हैंडसेट्स विद द अमाउंट ही हैड, व्हाट वाज द डिस्काउंट रिटेलर ऑफर्ड। ऑप्शंस आर 15%, 20%, 25% एंड 30%, ठीक है। तो राकेश मोबाइल लेने के लिए गया, उसके पास इतना पैसा था कि उससे वो 8 हैंडसेट खरीद सकता था, लेकिन जो रिटेलर था उसने क्या किया, राकेश को डिस्काउंट दिया। तो अब राकेश उसी अमाउंट में, जितना अमाउंट में वो 8 हैंडसेट खरीद सकता था, उसी अमाउंट में वो अब कितने हैंडसेट खरीदेगा, 10 हैंडसेट खरीदेगा, ठीक है। तो हमें पता करना है कि जो रिटेलर है उसने राकेश को कितना परसेंट डिस्काउंट दिया। तो सॉल्व कर दें, सपोज करेंगे, सपोज राकेश हैड रुपीज 8000 विद हिम। अब 8000 इसलिए ले रहा हूं ताकि 8 से ये आसानी से डिवाइड हो सके और 10 से भी डिवाइड हो सके। तो 8000 ऐसी वैल्यू जो 8 से भी आसानी से डिवाइड होगी और 10 से भी। तो पर मोबाइल का प्राइस कितना हो गया, 1000 हो गया, ठीक है। सपोज राकेश हैड रुपीज 8000 विद हिम, और इसके अंदर वो कितने मोबाइल परचेस कर सकता था, 8 मोबाइल परचेस कर सकता था, यानी कि प्राइस ऑफ वन हैंडसेट, प्राइस ऑफ वन हैंडसेट इज इक्वल टू रुपीज 1000, ठीक है। 8000 को अगर मैं 8 से डिवाइड कर दूं तो मुझे कितना मिलेगा, 1000 मिलेगा, यानी 1000 का एक मोबाइल है। लेकिन अब क्या हो रहा है, उसको डिस्काउंट मिल रहा है। आफ्टर द डिस्काउंट राकेश कैन बाय 10 हैंडसेट्स इन रुपीज 8000। इसी 8000 के अंदर अब वो कितने मोबाइल खरीद सकता है, 10 मोबाइल खरीद सकता है, यानी कि अब प्राइस ऑफ ईच हैंडसेट कितनी हो जाएगी, प्राइस ऑफ ईच हैंडसेट इज इक्वल टू 8000 डिवाइडेड बाय 10, यानी कि 800 रुपीज, ठीक है। तो पहले मोबाइल की प्राइस कितनी थी, 1000, और अब डिस्काउंट के बाद कितनी हो रही है, 800 रुपीज, ठीक है। तो 1000 से 800 पे आने के लिए कितना परसेंट डिस्काउंट देना पड़ेगा, 20% डिस्काउंट देना पड़ेगा। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी है, ठीक है। अगर आप 8000 को 800 ले लेंगे तो और इजीली समझ में आएगा, 800 लेंगे तो ये 100 बन जाएगा और ये 80 बन जाएगा, सब में से एक जीरो निकाल दिया। तो 100 रुपीज का मोबाइल पड़ रहा था पहले, अब कितने का पड़ रहा है, 80 का पड़ रहा है। तो 100 से 80 पे आने के लिए कितना डिस्काउंट देना पड़ेगा, 20% का डिस्काउंट देना पड़ेगा। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 31 सेट ए में से है, यूपीएससी 2019 में पूछा गया। ऑल मेंबर्स ऑफ अ क्लब वेंट टू मुंबई एंड स्टेड इन अ होटल। ऑन द फर्स्ट डे 80% वेंट फॉर शॉपिंग एंड 50% फॉर साइट सीइंग, whereas 10% took rest in the hotel. Which conclusion or conclusions can be drawn from the given data? Conclusion number 1 is 40% went for shopping as well as sightseeing, and conclusion number 2 is 20% went for shopping only. Options हमको दिए हुए हैं, 1 only, 2 only, both 1 into and neither 1 nor 2, ठीक है। तो कुछ conditions दी हुई है हमें और उसके हिसाब से conclusions दिए हुए हैं, और हमें पता करना है कि इन दोनों conclusions में से कौन सा वाला करेक्ट है, पहला करेक्ट है, दूसरा करेक्ट है, दोनों करेक्ट है या दोनों भी रॉन्ग है, ठीक है। तो एक कंपनी के सारे मेंबर्स गए हैं तो टोटल कितना हो जाएगा, 100% मान लेंगे, उसके अंदर से 10% जो है वो क्या कर रहे हैं, रेस्ट ले रहे हैं। तो इसमें से 10% अगर मैं माइनस कर दूं, क्योंकि वो होटल से बाहर निकले ही नहीं, तो हमारे पास 90% लोग ऐसे हैं जो बाहर निकल रहे हैं होटल से, और इन 90% में से 80% कहां जा रहे हैं, शॉपिंग के लिए जा रहे हैं, और 50% जो कहां जा रहे हैं, साइट सीइंग के लिए जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन 80 प्लस 50 90 तो होता नहीं है, ये तो 140 होता है,
यानी कि कुछ लोग ऐसे हैं जो इधर पे भी जा रहे हैं और इधर पे भी जा रहे हैं, ठीक है, यानी कि दोनों के अंदर कुछ लोग ऐसे हैं जो कॉमन है। तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे वेन डायग्राम से। तो ये मान लेता हूं मैं शॉपिंग का सर्कल है और इसको सपोज कर लेते हैं कि ये साइट सीइंग का है। अब कुछ लोग ऐसे होंगे जो दोनों कर रहे हैं, यानी शॉपिंग भी कर रहे हैं और साइट सीइंग भी कर रहे हैं, तो वो कैसे समझ में आएगा? तो हम इन दोनों को ऐड करेंगे 80 प्लस 50 कितना होता है 130 होता है, लेकिन हमारे पास तो टोटल वैल्यू कितनी होनी चाहिए थी, 90 होनी चाहिए थी, तो इसमें से 90 माइनस करेंगे तो हमको मिलेगा 40, यानी 40% लोग ऐसे हैं जो कॉमन है, दोनों के अंदर जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो परसेंटेज वैल्यू आएगी वो आएगी 40%, यानी 40% लोग शॉपिंग भी कर रहे हैं और साइट सीइंग भी कर रहे हैं, ठीक है। अब शॉपिंग करने वाले कितने हैं, 80% है, लेकिन 40% तो हम लिख चुके हैं, तो यहाँ पर हम कितना लिखेंगे, फिर से 40 लिखेंगे, 40 प्लस 40 कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। तो शॉपिंग के लिए कितने परसेंट लोग जा रहे हैं, 80% लोग जा रहे हैं। अब साइट सीइंग के लिए कितने परसेंट लोग जा रहे हैं, 50%, लेकिन 40% तो हम लोग ने ऑलरेडी लिख चुका है, तो यहाँ पर हम सिर्फ कितना लिखेंगे, 10% लिखेंगे, ठीक है। यानी कि 40% लोग सिर्फ शॉपिंग के लिए जा रहे हैं, 10% लोग सिर्फ साइट सीइंग के लिए जा रहे हैं और 40% लोग दोनों के लिए जा रहे हैं। अब ये मिलाकर के आप देखेंगे तो आपको 90% मिलेगा और 10% तो होटल के अंदर है जो रेस्ट कर रहे हैं। अब देखना हमें कि कौन सा वाला कंक्लूजन करेक्ट है, 20% वेंट फॉर शॉपिंग ओनली, शॉपिंग के लिए तो 40% गए, तो सेकंड वाला कंक्लूजन गलत है। 40% वेंट फॉर शॉपिंग एज वेल एज साइट सीइंग, तो देखिए 40% लोग दोनों के लिए गए हैं, तो पहला वाला करेक्ट है, तो हमारा जो आंसर है वो ऑप्शन ए है, ठीक है। तो इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और ये भी यूपीएससी 2019 का है, सेट ए, क्वेश्चन नंबर 32। इन ए स्कूल 60% स्टूडेंट्स प्ले क्रिकेट, 60% स्टूडेंट्स जो है वो क्या खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, ठीक है। अ स्टूडेंट हु डज नॉट प्ले क्रिकेट प्लेज फुटबॉल, ठीक है, जो लोग क्रिकेट नहीं खेलते हैं वो लोग क्या खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं। एवरी फुटबॉल प्लेयर हैज गॉट अ टू व्हीलर, एवरी फुटबॉल प्लेयर हैज गॉट अ टू व्हीलर। फिर उसके बाद विच कंक्लूजन्स कैन नॉट बी ड्रॉन फ्रॉम द अबव डेटा। कंक्लूजन नंबर वन इज 60% स्टूडेंट्स डू नॉट हैव टू व्हीलर। सेकेंड कंक्लूजन इज नो क्रिकेटर हैज टू व्हीलर, नो क्रिकेटर हैज टू व्हीलर। कंक्लूजन नंबर थ्री इज क्रिकेट प्लेयर्स Do not play football. Options हमको दिए हुए हैं, 1 and 2 cannot be drawn, मतलब 1 और 2 करेक्ट नहीं है, ऑप्शन बी 2 और 3 करेक्ट नहीं है, ऑप्शन सी 1 और 3 करेक्ट नहीं है, एंड ऑप्शन डी तीनों भी करेक्ट नहीं है, ठीक है। ध्यान रखिए हमें यह पता करना है कि कौन से कंक्लूजन्स ड्रॉ नहीं किए जा सकते, ठीक है, इसके अंदर से कौन से स्टेटमेंट्स गलत है ये पता करना है, सही वाले स्टेटमेंट्स नहीं पता करना है। तो क्वेश्चन के अंदर क्या दिया हुआ है, 60% लोग क्रिकेट खेलते हैं और जो लोग क्रिकेट नहीं खेलते हैं वो लोग फुटबॉल खेलते हैं और हर फुटबॉल प्लेयर के पास टू व्हीलर है। अब पहला कंक्लूजन क्या कह रहा है, 60% स्टूडेंट्स डू नॉट हैव टू व्हीलर, ठीक है, इसका मतलब सीधा सीधा ये हो रहा है कि ये जो 60% लोग है जो क्रिकेट खेलने वाले हैं इनके पास टू व्हीलर नहीं है, लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हर फुटबॉल प्लेयर के पास टू व्हीलर है, इसका मतलब ये थोड़ी होता है कि क्रिकेट खेलने वालों के पास टू व्हीलर नहीं है, तो ये वाला कंक्लूजन तो हम ड्रॉ नहीं कर सकते। अच्छा, अगर आप इसको देखेंगे और इसको देखेंगे तो ये दोनों भी सेम है, ठीक है ना, ये क्या बोल रहा है कि 60% स्टूडेंट्स के पास टू व्हीलर नहीं है और 60% स्टूडेंट्स कहाँ पर है, क्रिकेट में, ठीक है। तो जो चीज हमने पहले बोली थी वही चीज अभी भी बोलेंगे, फुटबॉल प्लेयर के पास टू व्हीलर है इसका मतलब ये नहीं होता कि क्रिकेट प्लेयर के पास टू व्हीलर नहीं होगी, तो ये भी हम कंक्लूजन ड्रॉ नहीं कर सकते। फिर उसके बाद क्रिकेट प्लेयर्स डू नॉट प्ले फुटबॉल, क्वेश्चन में क्या बोला है कि जो लोग क्रिकेट नहीं खेलते वो लोग फुटबॉल खेलते हैं, इसका मतलब फिर से ये नहीं होता कि जो क्रिकेट खेल रहे हैं वो फुटबॉल नहीं खेलेंगे, तो ये वाला भी कंक्लूजन गलत है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी है, तीनों भी कंक्लूजन हम लोग ड्रॉ नहीं कर सकते।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ये क्वेश्चन 2018 का है। 2018 के अंदर परसेंटेज टॉपिक पे से सिर्फ तीन क्वेश्चन पूछे गए थे और उसके अंदर से भी एक क्वेश्चन जो था वो कंपाउंड इंटरेस्ट पे बेस्ड था। ठीक है, तो हम लोग 2018 के क्वेश्चंस देखेंगे। सेट ए के थ्री क्वेश्चंस पूछे गए थे इसमें और एक क्वेश्चन जो था वो कंपाउंड इंटरेस्ट पे था। इसको हम लोग अभी नहीं करेंगे, जब सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट करेंगे तब उसको देखेंगे। तो पहला जो क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ वो क्वेश्चन नंबर 41 है, यूपीएससी 2018 सेट ए क्वेश्चन नंबर 41। अ स्टूडेंट हैज टू गेट 40% मार्क्स टू पास इन एन एग्जामिनेशन। ठीक है, पास होने के लिए कितना परसेंट लाना जरूरी है? 40% मार्क्स लाना जरूरी है। ही गेट्स 30 मार्क्स, द स्टूडेंट गेट्स 30 मार्क्स एंड फेल्स बाय 30 मार्क्स एंड फेल्स बाय 30 मार्क्स। देन व्हाट आर मैक्सिमम मार्क्स इन द एग्जाम? ऑप्शंस आर 100, 120, 150 एंड 300। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग ने फर्स्ट लेक्चर के अंदर भी देखा था, तो इसको हम लोग फिर से नहीं करेंगे। इस क्वेश्चन को आप लोग खुद से ट्राई करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो कि क्वेश्चन नंबर 57 है। अ शॉपकीपर सेल्स एन आर्टिकल एट ₹40, सेल्स एन आर्टिकल एट ₹40 एंड गेट्स एक्स परसेंट प्रॉफिट। हाउएवर व्हेन ही सेल्स इट एट ₹20, जब वो ₹20 पे सेल करता है तो उसको सेम परसेंट का लॉस होता है। ठीक है, हाउएवर व्हेन ही सेल्स इट एट ₹20 ही फेसेस सेम परसेंट ऑफ लॉस। व्हाट इज द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ आर्टिकल? आर्टिकल की ओरिजिनल कॉस्ट हमको पता करनी है। ऑप्शंस हमने दिए हुए हैं ₹10, ₹20, ₹30 एंड ₹40। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे ट्रायल एंड एरर मेथड से। अब देखिए, सामान ₹40 पे बेचा जा रहा है तो उसको कितना प्रॉफिट मिल रहा है? ₹X का प्रॉफिट मिल रहा है। और अगर जब ₹20 पे बेचा जा रहा है तो एक्स परसेंट का लॉस हो रहा है। ठीक है, अब 20% पे बेचने पे लॉस हो रहा है, यानी कि जो कॉस्ट ऑफ आर्टिकल है वो 20 से ज्यादा है, 20 से कम नहीं हो सकती और 20 भी नहीं हो सकती, क्योंकि 20 पे बेचने पे हमें क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। यानी कि ऑप्शन ए और ऑप्शन बी पहले ही एलिमिनेट हो गए। ₹10 हो नहीं सकती, क्योंकि अगर ₹10 कॉस्ट होती तो ₹20 पे बेचने पे लॉस नहीं होता, प्रॉफिट होता। और अगर कॉस्ट आर्टिकल की ₹20 होती तो ₹20 पे बेचने पे लॉस नहीं होता, हम ना प्रॉफिट में होते ना लॉस में होते। यानी कि हमारा आंसर या तो सी है या तो डी है। ठीक है, अब हम लोग एक एक करके इसको चेक करेंगे। तो पहले 30 ले लेते हैं। ठीक है, तो 30 से 40 पे बेचा जा रहा है तो डिफरेंस कितने का आया? 10 का आया। तो इंक्रीमेंट परसेंट अब ये क्या कहला रहा है? प्रॉफिट कहला रहा है। तो प्रॉफिट परसेंट कितना हो जाएगा? डिफरेंस अपॉन स्मॉलर वैल्यू इंटू 100, यानी कि 33.33%। समझ में आ गई बात? ठीक है, और अब क्या कर रहे हैं हम लोग? 30 से उसको 20 पे बेच रहे हैं, 30 से 20 पे बेच रहे हैं, तो ₹10 का क्या आ रहा है? सॉरी, यहाँ पर इंक्रीमेंट हुआ था और यहाँ पर डिक्रीमेंट हो रहा है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? डिक्रीमेंट परसेंट निकालेंगे, यानी कि लॉस परसेंट। ठीक है, अब यहाँ पर फिर से सेम डिफरेंस अपॉन, यहाँ पर आएगी लार्जर वैल्यू इंटू 100। ठीक है, इसको आप फिर से सॉल्व करेंगे तो 1/3 मिलेगा। 1/3 इंटू 100 क्या होता है? 33.33% होता है। ठीक है, तो देखिए प्रॉफिट परसेंट भी 33.33 है और लॉस परसेंट भी 33.33 है, यानी कि प्रॉफिट परसेंट लॉस परसेंट दोनों भी कैसे हैं? इक्वल है, सेम है। और ये क्वेश्चन के अंदर कहा गया था, तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी है। आप चेक कर सकते हैं 40 से वो आंसर नहीं आएगा। मान लेते हैं 40 प्राइस है और 40 के ऊपर बेचा गया, तो 40 से खरीद करके अगर 40 पे बेचेंगे तो हमें प्रॉफिट थोड़ी होगा। क्वेश्चन में क्या कहा गया? 40 पे बेचने पे प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन 40 का अगर आर्टिकल होगा और 40 पे बेचेंगे तो ना प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा, तो ये वाला ऑप्शन भी गलत है। हमारे पास सिर्फ ऑप्शन सी बचता है। अगर इसको आप सॉल्व नहीं भी कर सकते, नहीं भी कर पाते, तो भी सीधा सीधा ऑब्जर्वेशन से इसका आंसर सी निकलता है।